नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपुर टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। काशी में अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत, दिव्या दत्ता और एक्टर अर्जुन रामपाल पहुंचे। इस दौरान तीनों एक्टर्स ने काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंच गए। इस बीच कंगना की बहन रंगोली रनौत भी साथ में मौजूद रही। फैंस भी अपने दोनों एक्टर्स को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए और हर हर महादेव का जय घोष किया। तो एक्टर्स ने भी हाथ उठाकर हर हर महादेव का जय घोष करना शुरू कर दिया। ब्रिजरामा पैलेस से बजड़े पर बैठकर धाकड़ के स्टार कास्ट गंगा द्वार के रास्ते बाबा के धाम पहुंची। देखिए, मैं अपनी फिल्म मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे। और हमारी जो फिल्म धाकड़ है, उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है, वो हील होके आती है वापस, उसका जो पुनर्जन्म होता है। तो हम ये फिल्म को हमने हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है, जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो हम बाबा जी के भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे हमारी टीम को। 20 मई को यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है। तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। मथुरा में भगवान बंशीवाले का विराजमान करने का दावा जिला जज की अदालत में स्वीकार किया गया है। खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने दावा दायर किया था। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसके माथे पर है, हमें स्वीकार है। अब क्या आगे कार्रवाई होनी है इसके संदर्भ में इसकी नकल लूँगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। और चूँकि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील हूँ, इसकी कॉपी मैं लखनऊ भेजूँगा, सर्टिफाइड कॉपी लेकर के। वहाँ पे जो उनको कार्रवाई करनी वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा रेमेडी तो कल माननीय उच्च न्यायालय बस्ती हो, कोई रेमेडी बस्ती नहीं। इसके अलावा जो है बोर्ड के खिलाफ मुकदमा किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, मुकदमा तो कोई भी किसी पक्ष को, पक्षकार को बढ़ा के पकड़ दाया कर सकता है। मैं खिलाफ दाया कर सकता हूँ, मैं आपके खिलाफ दाया कर सकता हूँ। कितना महत्वपूर्ण है मुकदमा, क्या आगे चलेगा नहीं चलेगा, वो आगे इस पर निर्भर करता है। आज जो निर्णय हुआ स्वीकार है हमको, क्यों नाले का देश है। कोर्ट ने क्या इसमें देखा जो स्वीकार कर लिया है इसमें? मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने केवल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की चर्चा से सुना है कि निगरानी स्वीकार हो गई है। निर्णय को, हमारे पिटीशन को, दावा को खारिज किया था, ये माना हमको दावा करने का अधिकार नहीं है। हमने माननीय जनप्रतिनिधि महोदय के यहाँ रिविजन फाइल किया, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे रूलिंग को देखने बाद ये माना कि हमको दावा करने का अधिकार है। और ये भी माना कि जो हमने कंप्रोमाइज चैलेंज किया वो लीगली चैलेंज किया है और हमारा सूट अब लोअर कोर्ट में चलेगा। लोअर कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान सीएम योगी द्वारा नए मदरसों को ग्रांट जारी नहीं किए जाने के ऐलान पर भड़क उठे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ पर भड़कते हुए बयान देकर कहा है कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों की तालीम में वंचित करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा और साजिश कर रही है। नए मदरसों को ग्रांट जारी नहीं किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फरमान मुस्लिमों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है, लेकिन देश का संविधान हमारे साथ है। हम संविधान की मदद से अपने अधिकार और तालीम के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुसलमानों के नाम पर जो नाम, अरे नाम चेंज करने से दिल थोड़ी बदल जाएंगे या जहन थोड़ी बदल जाएगा मुल्क का? नाम किसी के नाम से, किसी ने अगर मुल्क की खिदमत की है उसके नाम पर सड़क का नाम है तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? लेकिन ये सारी बातें नफरत फैलाने की हैं। ये नफरत जब तक देश से बंद नहीं होगी, मुल्क से, ये नफरत का प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होगा। और डॉक्टर उसने बाइडन ने अभी जो अमेरिका का सदर है उसने व्हाइट हाउस के अंदर ईद के मौके पर वो ईद मिलन किया था तो उसमें कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जितना मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इतना किसी के साथ नहीं हो रहा।
जानमापी मामले में सुनवाई के दौरान काशी कोर्ट द्वारा हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए जाने का दुख है, इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनों ने ही धोखा दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पक्षपात कर रहे हैं। पहले भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग हुई थी, जिसके बाद काशी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। न्यायालय देखती है कि उसको सबमिट करती है कि नहीं, मेरा काम था जो मैंने काम किया और मैं कार्यमुक्त हो गया, तो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं न्यायालय को सौंप दूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न्यायालय को सौंप दिया। अब उसको न्यायालय जो है रिपोर्ट कहाँ से बनाती है कि नहीं बनाती है, ये न्यायालय निर्भर करेगी, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने गुरुवार की सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की 14 से 16 मई तक की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की कोर्ट ने सुरक्षित अपनी कस्टडी में रखते हुए इस मामले में 23 मई सोमवार को अगली तारीख दे दी है। कोर्ट ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद लिया है, जिससे वाराणसी कोर्ट में किसी भी सुनवाई को रोक दिया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुबह स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने नक्शा और रिपोर्ट के साथ ही साथ तीनों दिनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से संबंधित साक्ष्य जमा किए थे और रिपोर्ट के साथ ही साथ तीनों दिनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से संबंधित साक्ष्य जमा किए थे। जिस जज ने लिपिक इंदु शेखर सिंह को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने का आदेश दिया था और इस संबंध में 2 बजे सुनवाई का समय भी दिया गया था। किसी फोटोग्राफर ने जो है सहायक ने लीक कर दिया था दो चार साक्ष्यों को, इसलिए उस पर जो संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने स्पष्ट जो है अगर बात की जाए तो कल जुम्मा है और कोर्ट ने भी दिया है कि नमाजियों को नमाज के पे कहाँ रोक लगा है। रोक तो उस जो है शिवलिंग जहाँ पाया गया है वहाँ वजू करने के लिए रोक लगाई गई है, इसलिए जो है रोक नमाज तो पढ़ेंगे। नहीं, 20 पहले संख्या थी, उस 20 संख्या को हटा दिया है न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ें तो हो सकता है जितनी संख्या हो शासन प्रशासन व्यवस्था सुरक्षा देख के ही आगे। हाँ, नमाज पे कहीं कोई रोक नहीं, नमाज वो पढ़ेंगे। देखिए, अधिवक्ता फारूक जी हों या विद्वान आदमी हैं, जान देना करना ये नेतागिरी के चक्कर में आ जाता है और नेतागिरी का जवाब नेता ही दे सकते हैं, अधिवक्ता नहीं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजफर टीवी, सबसे पहले भारत।